स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप सीबीएसई की वर्कशॉप्स को किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये जो वर्कशॉप थी लास्ट ईयर और इस ईयर पेड वर्कशॉप थी, बट अभी सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला है और उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग अब ये जो वर्कशॉप्स हैं ये आप लोगों को फ्री में अवेलेबल कराई जा रही है। बट जो पेड वर्कशॉप है वो आप कितनी भी एक मंथ के अंदर, बट ये जो फ्री वर्कशॉप्स हैं ये आप एक मंथ के अंदर सिर्फ दो ही रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ टीचर्स को अभी भी प्रॉब्लम है कि हम इन वर्कशॉप्स में रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, अगर रजिस्टर करते हैं तो इसका आईडी पासवर्ड क्या रहता है, हम इस पर लॉगिन कैसे कर सकते हैं, इसका फीडबैक कैसे सबमिट कर सकते हैं। इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स कई सारे टीचर्स को अभी भी हो रही हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि इन वर्कशॉप्स में रजिस्टर करने के लिए दो तरीके हैं। एक कि आपका स्कूल आपको स्कूल की लॉगिन आईडी पासवर्ड से रजिस्टर कर दे, या फिर दूसरा तरीका यह है कि अगर आपका स्कूल आपको रजिस्टर नहीं करता तो आप खुद भी रजिस्टर हो सकते हैं। बट रजिस्टर होने के लिए आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी, आपको अपने स्कूल का एफिलिएशन नंबर पता होना चाहिए। बिना एफिलिएशन नंबर के आप इस वर्कशॉप में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, आप अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं ये आपको सिर्फ एक बार करनी है, आपको अकाउंट एक बार क्रिएट करना है, फिर हर महीने आपको दो वर्कशॉप फ्री वाली दो वर्कशॉप्स में रजिस्टर होने के लिए सेम ही रजिस्टर आईडी और पासवर्ड का यूज करना है। फिर आपका जो प्रोसेस है वो 50% कम हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की सिर्फ प्रोसेस आपको करनी रहेगी, अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस आपको नहीं करना रहेगा। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अगर स्कूल से आपको अकाउंट नहीं मिला तो आप खुद कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और खुद कैसे वर्कशॉप में रजिस्टर कर सकते हैं। वर्कशॉप्स में रजिस्टर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीबीएसई की तरफ से हर मंथ में जो वर्कशॉप्स पोस्ट करी जाती है पोर्टल पे उनमें सीट्स अवेलेबल होना चाहिए। अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो आप उनको रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। सो जितना जल्दी हो सके, जैसे ही आपको पता पड़े कि पोर्टल पे वर्कशॉप्स की सीट जो है वो ओपन हुई है, आप इमीडिएटली जाके दो वर्कशॉप को रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि सीट्स जो है वो बहुत ही जल्दी फिल हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूं सीबीएसई की वेबसाइट पे। सो ये सीबीएसई की वेबसाइट है, यहाँ पे ऊपर इसका यूआरएल दिया हुआ है, सभी लोग इस यूआरएल का यूज कर सकते हैं इस वेबसाइट पे आने के लिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक मेन्यू बार है, इस मेन्यू बार में दो लॉगिन के आपको टाइप दिखाई देंगे, स्कूल मैनेजमेंट एंड इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट। जब स्कूल वाले चाहते हैं कि वो आपको इन वर्कशॉप से रजिस्टर करें, सो स्कूल को इस स्कूल मैनेजमेंट वाले ऑप्शन से जाके आप लोगों को रजिस्टर करना रहेगा, और आप लोग अगर खुद चाहते हैं खुद को रजिस्टर करना तो आपको इस इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट के थ्रू आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है और फिर वर्कशॉप में रजिस्टर करना है। स्कूल से रजिस्टर होने के बाद भी आपको इस इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट का ही यूज करना है। जब स्कूल आपको रजिस्टर कर देंगे सो आपको अपने अकाउंट को यहाँ से यूज करना है, जब आप अकाउंट बनाएंगे तब भी आपको इस इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट से ही अपने अकाउंट को ओपन करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम चलते हैं नीचे की तरफ, हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन सेशन, आप इसके ऊपर क्लिक करिए। अब देखिए ये जो पेज ओपन हुआ है इसमें आपको सारी सीट्स फुल दिखा रही हैं, और इसमें आपको एक चीज और दिखाई देगी कि यहाँ पे जो फीस दी हुई है वो 100 रुपीज दी हुई है। ठीक है, सो ये जो वर्कशॉप है ये जो वर्कशॉप की लिस्ट है ये पेड वर्कशॉप की लिस्ट है। अब यहाँ पे आपको एक ये नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर फ्री ऑनलाइन सेशन, सो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फीस है ये फ्री है, और यहाँ पे ये रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक मिलेगी, जो वर्कशॉप फुल हो चुकी है उनमें आपको सीट्स फुल मिलेगी, जो वर्कशॉप ओपन होगी उसमें आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका अकाउंट पहले से ही है तो आप जस्ट रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे और आप रजिस्टर हो जाएंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन तरह के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपके पास अकाउंट है तो आपको उन ऑप्शंस में से पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सो अगर स्कूल आपको रजिस्टर करना चाहता है सो स्कूल को इस वाले लिंक से लॉगिन करना है। जब आप खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं सो आपको, अगर आपके पास अकाउंट है तो आपको ये जो थर्ड लिंक दी हुई है इसके थ्रू लॉगिन करना है फॉर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट। अगर आप नए पार्टिसिपेंट है, आपका अकाउंट नहीं है, सो आप न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जिनके पास अकाउंट नहीं है उनको सेकेंड वाले लिंक पे जाना है, जिनके पास अकाउंट है वो थर्ड वाले लिंक पे जाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम से जब आप अगर अकाउंट बना लेंगे तो आप हमेशा थर्ड वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी मैं आपको सेकेंड वाले लिंक के ऊपर क्लिक करके बता रहा हूँ कि आपको अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक बेसिक चीज जो मैंने आपको बताई कि आपको अपने स्कूल का एफिलिएशन नंबर जरूर पता होना चाहिए। वो क्यों पता होना चाहिए वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। सो इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा।
फॉर्म ओपन होने के बाद आपको एक तरफ अपनी पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए जगह मिलेगी, एक तरफ आपको स्कूल डिटेल्स फिल करने के लिए आपको स्पेस मिलेगी और लॉगिन डिटेल्स आपको फिल करने के लिए स्पेस मिलेगी। अब इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, देखिए एफिलिएशन नंबर आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। सो सपोज आप एक पार्टिसिपेंट है, आप अपनी बेसिक डिटेल फिल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है ABCEFGH, ओके यहाँ पे मैं मेरा एड्रेस मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप एड्रेस फिल कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस को कंप्लीट करने के बाद आपको सिटी में सिटी फिल अप करनी है, सो आपने यहाँ पे सिटी कर दिया, फिर आपने यहाँ पे स्टेट कर दिया, फिर आपने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया, फिर यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली, फिर आपने यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया। ये ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फील्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि कभी भी अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका जो पासवर्ड है वो इस ईमेल पे आएगा, इसके थ्रू ही आप अपने पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, इसको आपको कहीं नोट डाउन करके रखना है। इस तरह से फिर आपको अपना डेजिग्नेशन सिलेक्ट करना है, क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो इस तरह से आपने अपना पर्सनल डिटेल वाला जो स्पेस है वो फिल कर दिया है। अब स्कूल डिटेल में आपको, जैसे कि मैंने बोला कि आपको अपना स्कूल एफिलिएशन नंबर पता होना चाहिए, सो जब तक आप सही एफिलिएशन नंबर नहीं फिल करेंगे तब तक आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो है वो नहीं फिल होती हुई दिखाई देंगी। जैसे ही आप स्कूल का एफिलिएशन नंबर फिलअप करेंगे, अगर वो एफिलिएशन नंबर सही होगा तो आपको स्कूल का नाम ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, स्कूल की ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। सो ये जो तीन डिटेल है ये एफिलिएशन नंबर को एंटर करने पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, आपको इसको फिल नहीं करना पड़ेगा। तो इसी से ही आप पता कर सकते हैं कि आपका जो एफिलिएशन नंबर है वो सही है कि नहीं है। अगर वो सही होगा तो डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जैसे यहाँ पे आ गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो स्कूल है वो किस तरह के एरिया में सिचुएटेड है, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, ठीक है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेंशन कर देना है, इंसर्ट कर देना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये लॉगिन डिटेल्स, क्योंकि ये अगर आप एक बार भूल गए तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करनी है, आप यूजर आईडी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपने नाम को लिख दीजिए, बिना स्पेस के आप अपना सरनेम भी लिख दीजिए, ठीक है। जैसे आपने अपना नेम लिख दिया, फिर आपने सरनेम लिख दिया, और अगर साथ में इसके अंदर कुछ नंबर्स आप एंटर करना चाहते हैं तो आप नंबर भी एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी यूजर आईडी बन जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड क्रिएट करना है अपने अकाउंट के लिए। सो पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड में आपको दोनों बार सेम पासवर्ड ही इंसर्ट करना है। सो सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे कोई एक पासवर्ड जो है वो एंटर कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद आपको सबमिट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही ये आपसे एक कंफर्मेशन पूछेगा, डेटा वंस सबमिटेड कैन नॉट बी चेंज, क्लिक कैंसिल टू मेक चेंजेस और ओके टू सबमिट। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो डेटा आपने इंसर्ट करा है वो सही है तो आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है, अगर आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ चेंज करना है तो आपको कैंसिल के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे अभी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सिर्फ डमी डेटा बनाया हुआ है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, तो इस प्रोसेस के बाद क्या होगा कि आपने जो वर्कशॉप सिलेक्ट करी थी, जिस रजिस्टर के ऊपर आपने क्लिक करा था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी और आप उसके थ्रू रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई कि जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे तो आपको किस तरह से प्रोसेस करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अगर आपका अकाउंट पहले से ही है तो आपको किस तरह से वर्क करना है। सो वापस से मैं आपको उसी फर्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, ठीक है, जहां से मैंने स्टार्ट करा था। फिर से हम ऑनलाइन सेशन पे गए, यहाँ पे फिर से हम फ्री ऑनलाइन सेशंस के ऊपर गए। अब मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ मेरी आईडी से। अब मैं जो आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, इस प्रोसेस में मेरे पास अकाउंट जो है वो पहले से है, मैं सिर्फ वर्कशॉप में रजिस्टर करने आया हूँ, ठीक है। ये सेकेंड कंडीशन है, जब आपके पास अकाउंट होगा तो आप किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं डायरेक्टली, अब आपको अकाउंट नहीं क्रिएट करना है। तो सपोज करिए कि यहाँ पे एक वर्कशॉप है जो मुझे अटेंड करनी है, कंटेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सो मैंने इसके रजिस्टर के ऊपर क्लिक करा। अब जैसे ही मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूंगा फिर से मुझे तीन ऑप्शन मिलेंगे। सो अब मैं तीसरे नंबर के ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अकाउंट है और अब मैं सिर्फ उसके ऊपर लॉग इन करके इस वर्कशॉप को रजिस्टर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आ गए हैं। अब मुझे थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, लॉग इन फॉर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे मुझे अगर नया रजिस्ट्रेशन करना है सो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। अगर आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है सो इस तरह से आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पता होना चाहिए, तभी आप अपने पासवर्ड को वापस से रिट्रीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी मेरी डिटेल एंटर कर रहा हूँ,
ठीक है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ डिटेल जो एंटर करी है वो गलत बता रहा है, तो मुझे करेक्ट डिटेल को एंटर करना रहेगा। ठीक है। सो जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे आईडी पासवर्ड को एंटर करा, सही आईडी पासवर्ड को एंटर करा, और देखिए यहाँ पे ये इस तरह से एक वर्कशॉप की सारी डिटेल्स आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम आ गया है, यहाँ पे सारी वर्कशॉप की डिटेल आ गई है, यहाँ पे फीस इसकी फ्री है, और यहाँ पे प्रोसीड टू फाइनल कंफर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन का बटन आ गया। सो अगर आपकी पेड होगी तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आपकी फ्री होगी तो यहाँ पे फ्री लिखा हुआ आएगा। आपको यहाँ से प्रोसीड करना है, क्योंकि ये फ्री है तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ये जो वर्कशॉप है ये आपके अकाउंट पर रजिस्टर हो जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो इस तरह से मैं दो वर्कशॉप को रजिस्टर कर सकता हूँ हर मंथ। ठीक है, अब मुझे सेकंड वर्कशॉप को रजिस्टर करना है, सपोज करिए। सो ये अकाउंट ओपन रहने दीजिए। अब वापस से फर्स्ट पेज पे जाइए, ऑनलाइन सेशन के ऊपर क्लिक करिए, फ्री ऑनलाइन सेशन के ऊपर क्लिक करिए, और यहाँ से एक वर्कशॉप को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको अटेंड करनी है, जिसमें आपको खुद को रजिस्टर करना है। ठीक है, सो सपोज ये जो वर्कशॉप है एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान, मुझे इसमें खुद को रजिस्टर करना है। मैंने एक वर्कशॉप में रजिस्टर कर लिया, अब मैं सेकंड वर्कशॉप में खुद को रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो मैंने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करा, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो पहले से लॉग इन है, तो डायरेक्टली ये पेज आ गया है। अब मुझे बस इस प्रोसीड टू फाइनल कन्फर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक करा और ये वर्कशॉप भी मेरे अकाउंट में रजिस्टर हो जाएगी। अब सपोज करिए मैं ट्राई करता हूँ तीसरी वर्कशॉप को रजिस्टर करने के लिए, फ्री वाली तीसरी वर्कशॉप को रजिस्टर करने के लिए। सो हम देखते हैं कि वो पॉसिबल है कि नहीं है। सपोज करिए ये जो तीसरी वर्कशॉप है मैनेजिंग चेंज, मैंने इसमें रजिस्टर करने की कोशिश करी, मैंने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करा, इस पेज तक हम पहुंच गए हैं। अब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करके देखता हूं कि क्या यह वर्कशॉप रजिस्टर होती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है, पार्टिसिपेंट इज ऑलरेडी रजिस्टर फॉर 2 free sessions इन दिस मंथ विद द रजिस्टर ईमेल आईडी, सो फर्दर रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी डन फॉर फ्री सेशंस इन दिस मंथ। ठीक है दोस्तों, सो आप एक मंथ में सिर्फ 2 ही free workshop के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। तो यहां से अब आप लॉग आउट कर सकते हैं। बट लॉग आउट करने से पहले मैं आपको दो चीजें और बता दूं कि जब आप वर्कशॉप अटेंड कर लेंगे, जब आप वहां पे अपनी अटेंडेंस फिल कर देंगे प्रॉपर तरीके से, आप अपनी अटेंडेंस को जब वर्कशॉप कंप्लीट होने के बाद फिल कर देंगे, तो आपको इसी पोर्टल पे वापस लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको सबमिट फीडबैक का ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे ऑनलाइन सेशंस का एक ऑप्शन दिखेगा। जब आप ऑनलाइन सेशन अटेंड कर लेंगे सो आपको यहाँ पे वो ऑनलाइन सेशन दिखाई देगा, आपको उस सेशन का फीडबैक फिल करना है, तभी आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो जब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपकी टोटल कितनी वर्कशॉप रजिस्टर्ड है, कितने की आपने अटेंडेंस सबमिट करी है, कितनी वर्कशॉप आप सक्सेसफुली अटेंड कर चुके हैं, कितनी वर्कशॉप की आपने अटेंडेंस सक्सेसफुली फिल करी है, और कितने फीडबैक आपने सबमिट करे हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये जो डैशबोर्ड है यहाँ से आपको आपकी सारी वर्कशॉप की डिटेल्स आपको मिल जाती है। अब आपको यहाँ पे ये जो 4 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें हर जगह आपको ये काउंट दिख रहा है। इस काउंट के ऊपर जब आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपकी रजिस्टर ट्रेनिंग्स कितनी है, किस किस ट्रेनिंग में आपने रजिस्टर करा है, कितनों की आपने फीस पेड करी है, कितनी ट्रेनिंग्स आपने अटेंड करी है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये मेरी रजिस्टर ट्रेनिंग्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कुछ के सामने अटेंडेंस में 9 दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ के सामने फ्री दिख रहा होगा, कुछ के सामने पेड दिख रहा होगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जिनके आगे आपको नो अटेंडेंस दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है कि मैंने वर्कशॉप के बाद इनकी अटेंडेंस को सबमिट करा था या नहीं करा था, सबमिट करा था बट सबमिट नहीं हुई या सबमिट नहीं करा था। सो अगर मैं वर्कशॉप के बाद अटेंडेंस को सबमिट नहीं करता हूँ सो मैं फीडबैक को नहीं फिल कर पाऊंगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप डैशबोर्ड से सारी चीजों को देख सकते हैं, कितनी वर्कशॉप में आपने फीडबैक सबमिट करा है। बेसिकली आपको एक ही चीज के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, आप जब भी किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये आपको एक ही पेज ओपन करके बताएगा जो आपके रजिस्टर्ड लिस्ट है, रजिस्टर्ड वर्कशॉप की लिस्ट है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, सो ये वर्क है यहाँ पे डैशबोर्ड का। आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि वर्कशॉप कंप्लीट होने के बाद आप अटेंडेंस फिल करना मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अटेंडेंस फिल नहीं करेंगे यहाँ पे आपको फीडबैक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और अगर आपको फीडबैक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा,
और इस वीडियो के एंड में वो आपको मिल जाएगी जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से आप अपने अकाउंट में वर्कशॉप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो की लिंक आपको दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि जब आपकी वर्कशॉप कंप्लीट हो जाती है सो आपको उस वर्कशॉप का सर्टिफिकेट किस तरीके से डाउनलोड करना है। सो दोस्तों, जब आपका पूरा काम हो जाए तब आप इस लॉग आउट हो सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट में मेंशन करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी, बाकी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। सो दोस्तों, एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ।